हेलो फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 2019 के करंट अफेयर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आपको जीके 2020 यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर में आपको मिलने वाला है नीति आयोग द्वारा जारी शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, विश्व हृदय दिवस, यूनेस्को सरस्वती सम्मान, WTA वुहान ओपन, अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस, राज्य का स्थापना दिवस और विजू खोटे। तो सारे इस टॉपिक पर हमने आज का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है, तो यह वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में संपूर्ण प्रदर्शन रैंकिंग में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो हाल ही में हमारे नीति आयोग, जिसे हम थिंक टैंक कहते हैं, इसके द्वारा जारी गुणवत्ता सूचकांक में संपूर्ण प्रदर्शन रैंकिंग में केरल राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और केरल पहले स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर आया है राजस्थान और तीसरे स्थान पर आ गया है कर्नाटक। और हाल ही में यह बात आई है, तो ये देखिए केरल के बारे में। केरल के बारे में आपको क्या याद रखना है, क्योंकि हाल ही में केरल साइबर डॉम की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है। करंट अफेयर में यह बात केरल के लिहाज से आपको याद रखनी है। और साथ साथ केरल के तिरूर के पान के पत्ते को GI टैग दिया गया है, वो भी करंट अफेयर का टॉपिक है, वो भी याद रखेगा। और शांत घाटी अक्सर जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, शांत घाटी कहां पर स्थित है? केरल में। और केरल के बारे में इतना बेसिक तो आपको याद होना ही चाहिए, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के हाल ही के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो यहां इमेज में देख सकते हैं। और केरल के हाल ही के CM कौन है? पिनाराई विजयन। और केरल जो यहां पर स्थित है और उसे कर्नाटक और तमिलनाडु बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, हिंद महासागर के तट पर यह केरल स्टेट। तो इसी के साथ नीति आयोग ने हाल ही में यह रैंकिंग जारी की है, तो नीति आयोग के बारे में भी आपको यह याद रखना है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा नाम है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। और नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? याद रखिएगा, योजना आयोग का स्थान लिया। और नीति आयोग के हाल ही के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO कौन है? अमिताभ कांत, जिसका हाल ही में 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बताई। यदि आपको हमारा अंदाज अच्छा लगता है तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने और अधिक स्वदेशी उपकरणों वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया? तो हमारे DRDO ने हाल ही में अधिक हमारे मेड इन इंडिया पार्ट्स वाले यह मिसाइल का सफल परीक्षण किया है चांदीपुर से। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और चांदीपुर कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ओडिशा में। और यहां मैं आपको बताऊं, DRDO द्वारा यह सफल परीक्षण किया गया है। तो DRDO के बारे में यह टॉपिक अक्सर आपको याद रखने ही चाहिए। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? DRDO भवन न्यू दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर स्थित है। DRDO का मोटो क्या है? तो याद रखिएगा, DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। और DRDO के हाल ही के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी DRDO के हाल ही के अध्यक्ष है। और DRDO है, और यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में काम करता है, इसीलिए आपको याद रखना है DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में काम करता है। बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। और DRDO भवन दिल्ली जिसका हेडक्वार्टर है। तीसरा क्वेश्चन, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने किसको यात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बताया है? तो यात्रियों को दी जाने वाली सुविधा के बारे में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है कोचीन। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसको हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पब्लिक के लिए सेवाओं अवेलेबल कराने वाला एयरपोर्ट बन गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
और यहां मैं आपको यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताऊं तो ये देखिए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पहले रैंक पर है हमारे भारत में, और वो कहां पर स्थित है तो यहां आप देख सकते हैं केरल का मैप, और केरल का मैप में यहां समुद्री तट पर यहां पर है कोचीन, जिसे हम कोची भी बोल सकते हैं। तो कोची या कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारे भारत में इस तरह का पहला एयरपोर्ट है। तो ये देखिए कोचीन लक्षद्वीप सागर के दक्षिण पश्चिम तट रेखा पर स्थित एक बड़ा बंदरगाह शहर है जो भारतीय राज्य केरल के अर्नाकुलम जिले का एक भाग है और उसी को हाल ही में पहला स्थान मिला है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा वर्ल्ड हार्ट डे हर साल मनाया जाता है 29 सितंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 29 सितंबर हर साल वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। तो हाल ही में यह स्पेशल डे मनाया गया है, तो आपको क्या याद रखना है? एक और क्वेश्चन बनता है, विश्व भर में 29 सितंबर को हर वर्ष विश्व हृदय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वार्षिक रूप से हृदय रोग और स्ट्रोक संबंधी सभी हृदय रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने और इनके रोकथाम और नियंत्रण के उपायों का प्रचार प्रसार करने हेतु यह स्पेशल डे मनाया जाता है। तो इस साल विश्व हृदय दिवस 2019 मनाया गया, तो थीम क्या रखी गई है? माय हर्ट योर हर्ट, जो इस साल की थीम रखी गई है, यह बात भी याद रखिएगा। और जब इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आता है तो इस महीने में कौन कौन से इंपोर्टेंट डे आए वो मैं आपको बताता हूं, तो आप सीक्वेंस में याद रखिएगा। पहले आया 2 सितंबर, 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस। उसके बाद आया 5 सितंबर, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया, टीचर्स डे। और उसी के बाद 5 सितंबर को ही अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। उसके बाद आया 8 सितंबर, 8 सितंबर को हमने विश्व फिजियोथेरेपी डे मनाया, और 8 सितंबर को ही विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया, वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर। और उसके बाद आया 10 सितंबर, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया। उसके बाद आया 14 सितंबर, उसको हमने राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर मनाया। और उसके बाद आया 15 सितंबर, 15 सितंबर को दूरदर्शन का स्थापना दिवस मनाया गया, 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे मनाया गया, और 15 सितंबर को ही अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, यह बात याद रखिएगा। और उसके बाद 16 सितंबर मोस्ट इंपोर्टेंट डे वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया, 17 सितंबर को पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया, और 18 सितंबर वर्ल्ड बेम्बू डे मतलब विश्व बांस दिवस मनाया गया। उसके बाद आया 21 सितंबर, 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया, और 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया। और उसके बाद आया 28 सितंबर, और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया, और विश्व रेबीज दिवस 2019 की थीम क्या रखी गई है? तो याद रखिएगा रेबीज समाप्त करने के लिए टीकाकरण, यानी कि रेबीज बीमारी है वो कुत्ते के काटने से फैलती है, और इसीलिए इस साल 2019 की थीम रखी गई है रेबीज समाप्त करने के लिए टीकाकरण। और उसके बाद आया 29 सितंबर, जो हमने हाल ही में इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो विश्व हृदय दिवस मनाया गया, और 30 सितंबर को हमने अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया। और एक बात कल हमने करंट अफेयर में कवर कर ली थी, सितंबर के अंतिम रविवार को विश्व नदी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिवर्स डे भी मनाया जाता है। तो आपको सारे इंपोर्टेंट डे के बारे में सीक्वेंस में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन हर साल 28 सितंबर को सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाता है? तो 28 सितंबर को एक और स्पेशल डे मनाया गया सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, और यह मनाता है यूनेस्को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और जब हम यूनेस्को की बात करते हैं तो यह इंटरनेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट के बारे में हमें पता ही होना चाहिए। तो ये देखिए यूनेस्को, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना हुई। और यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो यूनेस्को का पूरा नाम है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का पूरा नाम।
और यूनेस्को की हाल ही की अध्यक्षा कौन है? आंद्रे अजोले यूनेस्को की हाल ही की अध्यक्षा। और हिंदी में हम यूनेस्को को याद रखें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? फ्रांस के पेरिस में। तो यह बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में यह स्पेशल डे मनाया गया है। तो ये देखिए, यूनेस्को हर साल 28 सितंबर को सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, मतलब इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मनाता है। और इस साल की थीम क्या रखी गई है? तो याद रखिएगा, इस साल की थीम रखी गई है, तो यहां आप देख सकते हैं, द थीम ऑफ दिस ईयर सेलिब्रेशन लिविंग नो वन बिहाइंड। क्या थीम रखी गई है? लिविंग नो वन बिहाइंड, जो इस साल की थीम रखी गई है। और यह बात भी याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस तेलुगु कवि को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? तो जाना माना एक साहित्यिक प्रदान है सरस्वती सम्मान, और वो प्राप्त किया है के शिवा रेड्डी ने। और के शिवा रेड्डी एक तेलुगु कवि है जिसको यह सरस्वती सम्मान 2018 का मिला है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और किस काव्य संग्रह के लिए मिला है? तो यह भी आपको याद रखिएगा, के शिवा रेड्डी को अपनी एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है पक्का की ओट्टी गिलिते। पक्का की ओट्टी गिलिते के लिए यह सरस्वती सम्मान प्राप्त किया है के शिवा रेड्डी ने। और यहां आप इस साहित्यिक कृति का यहां आप फ्रंट पेज भी देख सकते हैं। और इस काव्य संग्रह का प्रकाशन 2016 में हुआ था। और बात आती है सरस्वती सम्मान की, तो सरस्वती सम्मान के बारे में भी आपको मैं बताता हूं। तो ये देखिए, सरस्वती सम्मान प्रति वर्ष यह सम्मान संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। और यह सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। साहित्यिक पुरस्कार है ये। और हिंदी के साहित्यकार ऐसे एक जाने माने अभिनेता के पिताश्री डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान उनकी चार खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। इसीलिए भी आपको यह पहला सरस्वती सम्मान भी याद रखना है और लास्ट सरस्वती सम्मान भी याद रखना है के शिवा रेड्डी। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किसने चीन में आयोजित WTA वुहान ओपन जीता है? तो WTA वुहान ओपन हाल ही में जीत लिया है आयरना सबलेंका ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और टेनिस से जुड़ी इस प्रतियोगिता में WTA वुहान की चैंपियन बनी है यह सबलेंका। तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और यहां उसके बारे में मैं बताऊं तो आयरना सबलेंका वुहान में बैक टू बैक खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। और उन्होंने समिट फ्लैश में अमेरिकी एलिसन रिस्के को 6-3, 3-6, 6-1 से हराया था। आठवां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेगा, हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जो मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। यानी कि आज ही यह अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और हाल ही में यह ओल्डर डे मनाया गया है तो उसका एक दूसरा भी नाम है जिसे हम अंतरराष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस भी कहते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 1990 में यह डे मनाने की शुरुआत हुई। और पहली बार 1 अक्टूबर 1991 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस या अंतरराष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के तौर पर मनाया गया। और याद रखिएगा, यह साल 1999 यानी कि अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग वर्ष के रूप में मनाया गया है। इसीलिए यह ईयर को भी आपको याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग वर्ष 1999। नवा क्वेश्चन, 1 अक्टूबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? यानी कि आज ही 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर को हमारे भारत का पहला भाषाई तौर पर अलग होने वाला, विलग होने वाला कोई स्टेट है तो वह है आंध्र प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और हर साल अक्टूबर को ही
आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको यह बात याद रखनी है कि हाल ही में करंट अफेयर में था न्यायमूर्ति पी लक्ष्मण रेड्डी को आंध्र प्रदेश का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है और आंध्र प्रदेश की कैपिटल का नाम है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगमोहन रेड्डी, जो यहां आप देख सकते हैं। जगन मोहन रेड्डी हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम है और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और यहां है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से कौन कौन से स्टेट जुड़े हुए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सही दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने मालदीव इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है? तो हाल ही में मालदीव इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता खिताब हमारे भारत के एक स्टार जो शटलर है, जिसका नाम है कौशल धर्मामेर, जिसने यह खिताब जीत लिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और कौशल धर्मामेर की बात आती है तो यहां आप इमेज में देखिए, ए है कौशल धर्मामेर और उसने हाल ही में मालदीव इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है और उन्होंने कल माले में सिरिल वर्मा को लगातार गेम में हराया और कौशल ने इसी महीने म्यांमार के इंटरनेशनल सीरीज भी जीती है। इसीलिए आपको याद रखना है कौशल धर्मामर, जो एक जाने माने बैडमिंटन शटलर है और उसने यह खिताब जीता है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने लखनऊ में डिफ एक्सपो के 11वें संस्करण के वेबसाइट का शुभारंभ किया? तो डिफ एक्सपो के 11वें संस्करण का हाल ही में लखनऊ में शुभारंभ किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और डेफ एक्सपो है वो हमारे एक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है और हमारे संरक्षात्मक जो साधन है वो यहां डेफ एक्सपो 2020 में दिखाए जाएंगे। तो 5 से 8 फरवरी 2020 के बीच यह लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। तो ये देखिए, डेफ एक्सपो अगले वर्ष 5 से 8 फरवरी तक आयोजित होगी और ये वेबसाइट है www.datexpo.gov.in और यहां आप ऑफिशियल लोगो भी देख सकते हैं। और इस बार की थीम क्या रखी गई है? तो इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, जो इस साल के डेफ एक्सपो 2020 की थीम रखी गई है। 12वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने हाल ही में एक लघु ग्रह का नाम किस भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ के नाम पर रखा है? तो ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ के नाम पर किसी क्षुद्र ग्रह का नाम रखा हो। और ऐसे हमारे जाने माने जो शास्त्रीय संगीतकार है, इसका नाम है पंडित जसराज। जी हां दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और पंडित जसराज की बात आती है तो ये देखिए, पंडित जसराज जिसके नाम पर हाल ही में एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है और बर्थ डेट को उल्टा करके इस ग्रह का नाम दिया गया है यहां पर। तो ये देखिए, पंडित जसराज यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार है और इस ग्रह की खोज 11 नवंबर 2006 को हुई थी। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा स्थानीय अंक दिए जाते हैं और पंडित जसराज ग्रह को 30/01/28 अंक दिया गया है, क्योंकि पंडित जसराज की जन्म तिथि है 28 जनवरी 1930। यानी कि 28/31 और उसी को उल्टा करें तो उल्टा करके इनकी जन्म तारीख के नाम पर यह लघु ग्रह का नाम दिया गया है। और याद रखिएगा, पंडित जसराज है वो मेवाती घराने से ताल्लुक रखते थे, इसीलिए आपको यह घराना भी याद रखना है, क्योंकि कई सारी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पंडित जसराज मेवाती घराने से ताल्लुक रखते थे। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में विजू खोटे का निधन हो गया, वे कौन थे? तो विजू खोटे यहां आप इमेज में देख सकते हैं। विजू खोटे का हाल ही में निधन हो गया है। वो एक जाने माने फिल्म अभिनेता थे जिसका काफी हिट डायलॉग हुआ है, कालिया तेरा क्या होगा। तो यहां आप देख सकते हैं कालिया का रोल, जिसने शोले फिल्म में किरदार निभाया था और काफी प्रसिद्धि मिली थी। ऐसे 77 वर्षीय इस विजू खोटे का हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यहां मैं बात करता हूं विजू खोटे की, तो ये देखिए, अभिनेता विजू खोटे, उन्होंने अपने करियर में 440 से अधिक हिंदी तथा मराठी फिल्मों में कार्य किया।
शोले फिल्मों में उनका कालिया का किरदार तथा अंदाज अपना अपना फिल्मों में उनका रॉबर्ट का किरदार काफी लोकप्रिय हुआ था। और कल के वीडियो के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत और कजाकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2019 कहां आयोजित किया जाएगा, तो काजिंद 2019 आयोजित किया जाएगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। और सभी को सही आंसर देने के लिए कांग्रेचुलेशन। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ब्यूनस आयर्स एटीपी चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता, और चार यहां खिलाड़ियों के नाम दिए हैं, और आपको पता लगाना है ब्यूनस आयर्स एटीपी चैलेंज टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, और आंसर देना है दोस्तों यहां कमेंट बॉक्स में। तो कल का वीडियो आपने यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए, और देखा है तो प्लीज दोस्तों यहां आंसर लिखना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है और कंटेंट की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण लगा है, तो प्लीज दोस्तों एक लाइक करना और एक कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो की लिंक शेयर करने से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ने से हमारा हौसला भी बढ़ता है। तो कल फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।